प्यारे बच्चों, कोविड-19 की वजह से, वायरस की वजह से हम लोगों को अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आज क्लास-9 के लिए मैंने पॉलिनोमियल का टॉपिक लिया हुआ है, यानी कि बहुपद। बहुपद ऐसा द्वितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म या फिर मोर देन वन टर्म हो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण ax प्लस बी, यहां पर x एक चल राशि है, x एक वेरिएबल है और a व b अचर राशि है या कांस्टेंट है। अन्य उदाहरण थ्री एक्स प्लस फाइव, यहां पर भी x a चर राशि है या एक वेरिएबल है और थ्री व फाइव अचर राशि है। इसका मतलब थ्री व फाइव कॉन्स्टेंट। बहुपद का मानक रूप a जीरो प्लस a वन एक्स प्लस a टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a n x की पावर n आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में। इस फॉर्म में बहुपद का यही मानक रूप है a n x की पावर n प्लस डॉट डॉट a टू एक्स स्क्वायर प्लस a वन एक्स प्लस a जीरो, इसकी अवरोही क्रम है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो बहुपदों को जब आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखते हैं तो वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। यहां बहुपद को जानने के लिए कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। बहुपद में चरों की घातें, चरों की घातें धनात्मक होनी चाहिए, चरों की घातें धनात्मक होनी चाहिए। उदाहरण थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, इस बहुपद में चर की घात दो धन दो है, चर की घात x की घात एक है, अर्थात चर की घात धनात्मक की होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। नियम तथा ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर
पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर उसकी पावर फ्रैक्शनल है या फिर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बहुपद की धार, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बहुपद है जिसमें पदों की अधिकतम घात, जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उदाहरण 5x² + 3x + 2, ये एक बहुपद है। यहां पर इसके तीन पद हैं 5x² 3x + 2, थ्री टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के, और इसमें जो चर है या वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है x². इसलिए इस बहुपद की घात, बराबर 2 है। बहुपद की घात उस बहुपद में आए हुए सभी पदों में चरों की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। अब बहुपद का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल a0+a1x + a2x² + (an x)n। इस बहुपद में a0, a1, a2 तथा an इस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। किसी पॉलिनोमियल में a0, a1, a2 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a0, a1, a2 और an इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होते हैं। उदाहरण 3x² + 4x + 2, इस बहुपद में 3, 4 व 2 इस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। बहुपद के तीन पद हैं और तीनों पदों में उनके गुणांक 3, 4, 2 है।
अब आते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। बहुपद के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, दूसरा चरों की धातुओं के आधार पर। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, बेसिस ऑफ टर्म एंड बेसिस ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल। उदाहरण, थ्री एक्स प्लस टू, यहां पर दो पद हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यहां पर तीन पद हैं और इनमें चरों की घातें, यहां पर चर की घात एक है, यहां पर चर की घात दो है। तो पदों के आधार पर भी इनके प्रकार, अगर बहुपद में एक ही पद है तो वह एक पदी बहुपद या मोनोमियल कहलाता है। दूसरा, अगर दो पद हो तो वह द्विपदी बहुपद कहलाता है, अर्थात बायनोमियल। तीसरा, बहुपद में अगर तीन पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद या ट्राइनोमियल कहते हैं। और शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके पदों के गुणांक शून्य होते हैं, उसे शून्य बहुपद या जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं। चरों की घातों के आधार पर बहुपद, इसमें पहला है रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलीनोमियल, एग्जांपल 3x + 5। 3x + 5 इस बहुपद में चरों की अधिकतम घात एक है, चर x की अधिकतम घात एक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलीनोमियल कहलाता है। दूसरा, द्विघातीय बहुपद जिसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं, 2x² + 5x + 6। यहां इस बहुपद में चर x की अधिकतम घात दो है, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद है, यानी ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं। और अब तीसरा, त्रिघातीय बहुपद
ऐसा बहुपद जिसमें उसके चरों की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उसी के बेस पर ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। पहला प्रश्न, निम्न व्यंजकों में कौन से बहुपद हैं और कौन नहीं? Which of the following expressions are polynomials or not? A. 4x square minus 3x plus 7 b 3 under root t plus t into under root 2 c y plus 2 upon y and d y square plus under root 2। दूसरा प्रश्न, निम्न में x square का गुणांक कीजिए। Write the coefficients of x square in each। पहला है 2 plus x square plus x, दूसरा b 2 minus x square plus x cube, c under root 2 into x minus 1। तीसरा, निम्न बहुपद में रैखिक द्विघाती व त्रिघाती बहुपद बताइए। क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। x स्क्वायर प्लस x a b है, y प्लस y स्क्वायर प्लस 4 c है, 7x क्यूब और d है x माइनस x क्यूब। आशा करते हैं आप इन प्रश्नों को हल